दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच सरकार की दावों की पूरी तरह से पोल खुल गई है। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली पूरी पानी पानी नजर आ रही है? देखिए, ये पूरी तरह फेलियर है। श्री अरविंद केजरीवाल जी, पहले जब भी कोई एक्शन प्लान हमारी सरकारों के समय से काम होता था, आपने जब विंटर एक्शन प्लान की बात आती थी, आप कहते थे सर्दी में इसलिए दम घुटू हवा हो जाती है दिल्ली में कि पराली जलाई जाती है, पंजाब और हरियाणा के किसानों को आप जिम्मेदार ठहराते थे। अब तो पंजाब में आपकी सरकार थी, आपका विंटर एक्शन प्लान फेल हुआ, आपका समर एक्शन प्लान फेल हुआ। आप तो कहते थे घर घर टैप वाटर जाएगा, एक साल में हमारी जिम्मेदारी है, ये पूरी तरह बंद हो जाएंगे जो वाटर टैंकर हैं। लेकिन आपके यहाँ पानी टैप से तो नहीं गया, स्वच्छ जल तो नहीं गया, पीने का तो नहीं गया, आपने घर घर पानी ज़रूर पहुँचा दिया श्रीमान। दूसरा, आप कहते थे दिल्ली में जब भी वाटर लॉगिंग हो साफ MCDs की जिम्मेदार है। अब तो MCD में भी आपकी सरकार है, 9 साल से PWD आपके पास है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नाले और नालियाँ और सड़कों का रखरखाव है। पूरी दिल्ली भर दी आपने, पानी पानी कर दी दिल्ली। दिल्ली में आप सड़कें जनकपुरी में धसी, स्विमिंग पूल जैसे बन गया, रोहनी में धसी, स्विमिंग पूल बन गया, क्या कर रहे हैं आप? आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है ये पूरा। आप तो ये कह रहे थे कि दिल्ली में हम तो दिल्ली को झीलों के शहर बनाएंगे, अब वो झील तो 300 कह रहे थे, यहाँ तो 1000 झील बन गई, जगह जगह नाव चलाने जैसी हालत है।